सुनो, हुँ? मैं ना आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सारा दिन चुप रहेगा दिखा। कहाँ थे पूरे दिन? क्या मतलब मैं कहाँ था पूरे दिन? मत भूलो कि मैं एक मर्द हूँ और मर्द 24 घंटे में 24 जगह रहता है, तो मैं बताना जरूरी नहीं समझता। और इतना ही दम है तो जाओ पता लगाओ किस टाइम मैं कहाँ रहता हूँ। फिर क्या मम्मी, चैलेंज दे रहे थे मुझे कि जाओ पता लगाओ मैं किस टाइम कहाँ रहता हूँ, पर आज के बाद मुझे हर सेकंड पता होगा कि ये कहाँ है। अच्छा वो सब छोड़िए, अब ये बताइए लाश का क्या करें? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? अरे सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, नजला जुकाम भी हो गया और लग रहा है बुखार आ जाएगा। तो चलो डॉक्टर को दिखा के लाते हैं। आज तो बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी तबीयत खराब है? सॉरी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी बीवी से नहीं कहना सीखो। इससे तुम्हारे दिल को भी तसल्ली मिलेगी और तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में भी रहेगी। सुनो। बोलो। आज खाने के बाद गोंद के लड्डू भी बनाना है तुम्हें, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। देखा कैसे कंट्रोल में है। अच्छा सुनो। हाँ। आज रात में मेरे पैर दबा देना, नींद तो नहीं आएगी तुम्हें? नहीं। आओ आओ, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अंगारे बनाए हैं, खा लोगी तो एक बार में गले का दर्द दूर हो जाएगा। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? अरे पड़ोसन भी ना कितनी पागल है। क्यों? कह रही थी कि उसका हस्बैंड अगर तुम्हारे जैसा होता तो वो उसके लिए जान भी दे देती। वो भी ना। ऐसा कहा पड़ोसन ने? हाँ। लेकिन तुम हंस क्यों रही हो, क्या तुम मेरे लिए जान नहीं दे सकती हो? नहीं। बस इतनी प्यार करती हो मुझसे कि अपनी जान देने से डरती हो? जान देने से मैं नहीं डरती हूँ, डर तो बस इस बात का है कि अगर गलती से मैं मर गई तो मेरे अब्बू मुझे कितना डांटेंगे। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए हो? अपने पड़ोसन की बेटी हुई है। तो ये तो खुशी की बात है, वो कितनी लकी है कि उसकी इतनी जल्दी बेटी हो गई। और बताओ, एक मैं हूँ जिसके 20 साल तक कोई औलाद ही नहीं हुई। 20 साल तक औलाद? हमारी शादी तो अभी 3-4 साल पहले ही हुई है। अरे वही तो कह रही हूँ कि जब 21वीं साल में मेरी शादी हुई उसके बाद ही तो हमारा बेटा हुआ।